हमर नाम सुनीता देवी, घर लक्ष्मीपुर अरार, और समूह के नाम जय श्री राम जीविका स्वयं सहायता समूह, ब्लॉक सरैया। हमर नाम सरिता देवी, घर लक्ष्मीपुर अरार, समूह के नाम किरण जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य हूँ और सरैया ब्लॉक। जुड़ी जाओ रे बहना जीविका में, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जुड़ी जाओ रे बहना जीविका में, दुनिया में किसी का कोई नहीं। पैसा है तो बहना है, पैसा नहीं तो बहना नहीं। पैसा है तो बहना है, पैसा नहीं तो बहना नहीं। जुड़ी जाओ रे बहना जीविका में, दुनिया में किसी का कोई नहीं। प्रणाम सुनीता दीदी। प्रणाम सुनीता दीदी। प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम। प्रणाम दीदी। कहू भैया, कौन काम से एलियै यह? दीदी, अहाँ तो बहुत दिन से मुर्गी पालन करै छियै और हम सब भी मुर्गी पालन करै छी, लेकिन अहाँ से हम जानकारी लेबे अइली है कि मुर्गी के स्वास्थ्य कैसे रखल जा सकै छी, मतलब रोग मुक्त कैसे रखल जा सकै छै और कौन कौन सावधानियां बरते के होइ छै। अथी मुर्गिये के स्वास्थ्य रखे के लेल यहाँ दरबा में गोबर और माटी के लेप लगा रही हती और ओकरा सीख सकैले और देख भी सकैले। हाँ भैया, मुर्गिये के स्वास्थ्य और सफाई रखे के लेल गोबर और मिट्टी के लेप लगा रही हती। अच्छा। ओकरा देख लियो। ठीक है दीदी। माटी और गोबर के सानै हती दरबा में लेप लगावे के लेल। भैया, अब तो गोबर और मिट्टी के मिला के लेप तो हो गेले। हाँ दीदी, हो गेले। एहे तरह से अथी बीच में और ऊपर में दोनों खंड में गोबर और मिट्टी के मिला के लेप लगावल जते। दीदी, सप्ताह में एक बार चुन्ना और माटी के लेप लगा के दरबा में लगावे के पड़ल, पोताई करे के पड़ल, वही के लिए बनवाई हती। दीदी, दरबा में मुर्गी के जे दाना दिया ले, जे पैखाना करल से दरबे में रह जाले, ए चलते चूना और माटी के लेप लगावे के पड़ल, जे कारण मुर्गी के पैखाना और दाना ओमे रह जाले, तो उसे बीमारी हो जाले, कीटाणु पैदा होखल, फफूंदी पैदा होखल, तो चूना और माटी के लेप लगावे से हमर मुर्गा स्वस्थ रहल, जैसे बीमारी न उत्पन्न होते। दीदी, रोज शाम चाहे सुबेरे एक बार दरबा के साफ करे के होते। मुर्गा जे बर्तन में पानी पिए छै ना, वो बर्तन में पानी में चूना मिला के साफ करे के पड़ल, ताकि उसे बीमारी न कोई उत्पन्न हो सकल। दीदी, एहे लेखन साफ करे के होई, ताकि दरबा में जे मुर्गा रहल है ओकरा कोई बीमारी न लगते।
पहला दिन जब बच्चा आते ना कुनाई छिटला के बाद जब रखल जतै तो में बच्चा के भर पेट खाना खियावे के होते। अहाँ के कहे के मतलब है दीदी कि पहला दिन जब मदर यूनिट से चूजा आता है मुर्गी के बच्चा हाँ। तो ओकरा जे है भर पेट खिला देवे के है। हाँ भैया जो जितना खा सकते है उतना भी खा सकले भर पेट खाना खाते। ठीक है दीदी जे दिन मुर्गा के बाहर दरबा से न निकलबाई ओ दिन भर पेट मुर्गा के दाना देवे के पड़ते और जैसे ओकरा प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलते। दीदी जे दिन मुर्गी के बाहर निकालै ले ओ दिना एक तिहाई दरबा में खाना देली आ दो तिहाई बाहर में चर के पेट भर लेवल जे में कीड़ा मकोड़ा हरियरी पथहरी सब चर के पेट भर लेवल। मुर्गी जब 6 महीना के हो जतै तो अंडा देवे से पहले ओकरा कृमिनाशक दवाई पानी में मिला के देवे के पड़तै। भैया माने ई सब बात पर ध्यान देवे के होई ताकि माने मुर्गी स्वस्थ रही त और माने गरीब दीदी के विकास होई। जानकारी के अभाव में दीदी हम सब बहुत परेशान रह लिए तो इतना सारा जानकारी देलिए के लिए बहुत धन्यवाद। हां धन्यवाद भैया। मैं डॉक्टर पवन कुमार लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट जीविका सरैया। अभी तक सुनीता दीदी मुर्गी पालन के लिए जानकारी दे रही थी जिसमें रख रखाव कैसे करना है क्या खिलाना है ये जानकारी दे रही थी। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ कि मुर्गियों में बीमारियाँ और बीमारी का लक्षण जिसके लिए उसका उपाय क्या क्या करें। मुर्गियों में अक्सर ये एस्केरियसिस क्या बीमारी होता है जिसे बोलते हैं कि कृमि, पेट में जो कृमि होता है उस कृमि के कारण उसका लक्षण है कि वजन कम जाना, उसका पंख बिखरा हुआ रहना, भूख नहीं लगना, ये सब सारे लक्षण और दस्त में कृमि को दिख जाना। इसके लिए उपाय है जो दवा चलाते हैं जिसमें कि अल्बेंडा जोल है जो ये कई कंपनियों के नाम से आता है, इसमें कंटेंट है एक्सपोलार का है लेकिन कंटेंट है इसमें अल्बेंडा जोल जो कि 1.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसे चलाते हैं। यदि 1 केजी का मुर्गा है तो इसमें 1 ml में 5 मुर्गे को दे सकते हैं। दूसरा डिजीज है जो कि कोक्सिडियोसिस उसे बोलते हैं जो कि कोक्सिडिया का बीमारी होने पे इन लोग में कई इसका लक्षण है जिसमें लाल रंग का खूनी दस्त करना, धीरे धीरे कमजोर होते जाना और वो उसकी मृत्यु हो जाती है। डियोसिस का दवा है एम्प्रोलियम, उसे पानी में घोल करके पिलाते हैं और दूसरी दवा है सुपर कॉक्स, यदि मार्केट में अवेलेबल है तो ये दोनों दे सकते हैं। दूसरी बीमारी है जो कि फफूंद जनित बीमारी जिसको बोलते हैं जो अफ्लाटॉक्सिकोसिस है, जो अफ्लाटॉक्सिकोसिस में इसमें होता है पेट में पानी भर जाना और भूख नहीं लगना जिसके कारण इनकी मृत्यु दर हो जाती है। जिसे आप दीदी सब आप लोग ये जो फफूंद लगा हुआ जो भोजन इन्हें खिलाएंगे तो निश्चित है कि ये बीमारी पकड़ लेगी और इसे बचाने के लिए आपको है कि फंगस लगा हुआ फफूंद लगा हुआ नहीं खिलाएं दाना और इसका यदि बीमारी हो जाता है इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं तो इसका ली 52 दवा जो है कि 15 ml पर
50 बर्ड के हिसाब से इसे पिलाया जा सकता है पानी में मिला करके। जो ये 52 का डोज है 50 मुर्गियों पे 15 ml यदि आप पानी में मिला करके पिलाते हैं तो ये बीमारी ठीक हो जाती है। ये एक बीमारी है जो रानी खेत है, ये विषाणु जनित बीमारी है, जो कि इसका प्रमुख लक्षण है जो कि गर्दन एक तरफ से मुड़ जाना या टेढ़ा हो जाना या जमीन पे गर्दन रखे हुए रहना, पंख फैला करके बिखरे हुए रहना, और दूसरा जो है इसमें कि मृत्यु दर सबसे ज़्यादा मृत्यु दर रानी खेत में होती है। उपाय है कि घर में आप रखते हैं मुर्गियाँ तो उसे 56 दिन का जब मुर्गियाँ हो जाए तो उसमें R2B1 रानी खेत का वैक्सीन टीकाकरण जरूर लगवा दें। विषाणु जनित बीमारी एक और है जिसे बोलते हैं फॉल पॉक्स, चेचक, मुर्गियों में चेचक हो जाना, जिसमें है कि इसमें भूख कम लगना, दूसरा है कि कलंगी और तिल्ली जिसको कॉम और बेटल बोलते हैं, कलंगी और तिल्ली पे उसके पॉक्स का निशान जिसको बोलते हैं चेचक के निशान इसमें हो जाना, उस पर जो है दवा खिला सकते हैं जो टेम्परेचर हाई रहता है जिसके कारण उसमें दवा भी खिला सकते हैं, पारासीटामोल खिला सकते हैं और उसमें बी कम्प्लेक्स चलाएं, उसे 15 ml per 50 मुर्गियों के हिसाब से उसे बी कम्प्लेक्स दे सकते हैं। दूसरा है सूक्ष्म जीवाणु जनित जो बीमारी होता है जिसको बोलते हैं CRD, क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज। ये अक्सर जो छोटे छोटे मुर्गियों में होते हैं जो कि 28 दिन के नीचे हों, लेकिन फिर भी इसका लक्षण पहचान कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, क्योंकि ये बड़े में भी कभी कभी ये दिखते हैं, जिसमें है कि सांस लेने में तकलीफ होते हैं, मुंह से सांस लेना, घरघराहट जैसा आवाज़ सांस लेने में होना, और ये इसके सांस न लेने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका जो दवा है जो हायर एंटीबायोटिक है जैसे लीवोफ्लॉक्सासिन है, एंड्रोफ्लॉक्सासिन है, जिससे इसमें चला सकते हैं, जिसमें 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ये दवा चलाई जा सकती है। हीमोक्लॉक्स डी है 1 ग्राम per liter के हिसाब से इसे मुर्गियों में देने से ये फॉल टाइफाइड ठीक हो जाते हैं। दूसरी बीमारी है जीवाणु जनित बीमारी है फॉल टाइफाइड, जिसमें दस्त, पीला दस्त होना, भूख कम लगना, और इसमें कलंगी और तिल्ली जो है उसके बैगनी कलर का हो जाना। इसका उपाय है जो कि जो एंटीबायोटिक इसमें चला सकते हैं जो कि है निमोक्लॉक्स डी चला सकते हैं, जो है ये डी है 1 ग्राम per liter के हिसाब से इसे मुर्गियों में देने से ये फॉल टाइफाइड ठीक हो जाते हैं। एक्सियस कोराइगा, इसमें दुर्गंध युक्त नाक एवं आंख से स्राव निकलना, और कॉम और बीटल सूजन जिसको कलंगी और तिल्ली बोलते हैं उसे उसमें सूजन आ जाना, आँख का प्लक बंद हो जाना, आँख में सूजन आ जाना, कम खाना, ये सारे लक्षण आपको उसमें दिखाई देंगे। इसके लिए निमोक्लॉक्स डी या निमोक्लॉक्स डी 1 ग्राम per liter के हिसाब से चलाएं तो ये ठीक हो जाएगा। एक बीमारियों में जो है बुरी आदतें हैं जिसको बोलते हैं चोंच मारना, पिकिंग की आदत होती है, एक दूसरे को नोचना, खाना जिसमें होता है, जो कि बेसिक
आयोडीन की कमी से होता है। यदि 1 ग्राम पर लीटर के जो आयोडाइज नमक है उसे मिला के पिलाएं तो ये आदत ख़त्म हो जाती है। और दूसरा है कि उसके बाद भी समाप्त नहीं होता है तो इसके चोंच जो होते हैं, जहाँ मरा हुआ चोंच या उजला दिख रहा है उसमें, उसे काट, नेल कटर से उसे काट दीजिए तो चोंच मारना कम कर देंगे। एक ड्रॉप सिंड्रोम जिसका इसका लक्षण है, जो कि जब मुर्गी अंडे देगी तो उसका अंडे का रंग विहीन हो जाना। दूसरा है इसका कवच जो है कागज के समान होना, जिसके कारण ये अंडे टूट जाते हैं। ये प्रमुख लक्षण है जिसे एक ड्रॉप सिंड्रोम कहते हैं।